गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो है स्किन केयर के ऊपर एंड आप सब जानते हो हाउ मच आई लव स्किन केयर, क्योंकि मेकअप तो यार बात की बात आती है ना। अगर आप मुझे व्लॉग्स में देखोगे तो आई एम लाइक बेयर फेस, मेरे फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होता बिकॉज आई जस्ट डू मेकअप ओनली इन वीडियोज। यार मैं सिर्फ वीडियोज में ही मेकअप करती हूँ, आगे पीछे मैं अगर बाई चांस अगर कहीं ज्यादा कुछ जरूरी है, कुछ कहीं घूमने फिरने जाना तो भी मैं मेकअप करती हूँ, अदरवाइज मैं घर पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। इसलिए स्किन आपकी सुंदर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक दो चीजें जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी फटाफट से। बहुत सारा पानी पिया करो, बहुत सारा, ठीक है ना? आपने पानी पीना है, अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सैलड्स खाओ। और चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है डियर वर्कआउट करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सारे दिन में, लाइक 24 आवर्स होते हैं ना, उसमें आप एक घंटा अपनी बॉडी को जरूर दो। प्लीज आप एक घंटा अपनी बॉडी को जरूर दो। आप उसमें वॉक कर सकते हो, आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मैं तो अपने छत पे ही वॉक करती हूँ, सुबह एक घंटा वॉक करती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत जो मैंने वार्म अप किया या जो भी मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, एक डेढ़ घंटा मतलब मैंने अपनी बॉडी को देना ही देना। उससे मैंने क्या नोटिस किया है कि जितना भी पसीना बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्किन नेचुरली ग्लो करती हो। तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चीज के, ठीक है? उसके साथ आपने क्या करना है, अपनी स्किन केयर रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, जो भी आपकी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर आप मेकअप करते हो, ठीक है, जिस दिन आप मेकअप करते हो तो मेकअप को उतार के ही आपने सोना है रात को। ये नहीं कि मेकअप आपके फेस के ऊपर लगा, कहीं पे काजल लगा, कहीं पे थोड़ा सा लाइनर लगाया, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा, आपको लगा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लगा, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, तो डियर अगले दिन सुबह इतने मोटे मोटे पिंपल्स हो जाएंगे। ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है? क्लीन करके अपने फेस को सोना है। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली वन स्टेप स्किन केयर। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना कि हम फेस पैक भी लगाएं, स्क्रबिंग भी करें, ये भी करें, वो भी करें, वैसे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी किसी दिन अगर टाइम नहीं होता, लाइक मेरे पास अगर टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर, जिससे ना यार ऐसे लगता है ना जैसे पूरा एक फेशियल काइंड ऑफ वो फीलिंग आने लग जाती है स्किन एकदम। पता नहीं क्यों सारे स्टेप्स मुझे लगता है कि एक चीज लगाती हूँ और सारे स्टेप मुझे लगता है मेरे कंप्लीट हो गए। वो क्या है, पील ऑफ मास्क, राइट? बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप उसको लगाते हो, ठीक है, तो 15 मिनट के लिए लगाते हो, फेस पैक का काम हो गया। जब आप उसको उतारोगे तो आपकी स्क्रबिंग वो उतनी देर तक आपकी स्किन के ऊपर रहता है, ठीक है? जब आप उसको उतारोगे तो जितनी गंदगी होगी, डेड स्किन होगी, ब्लैक हेड्स होंगे, व्हाइट हेड्स होंगे, वो तो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है? तो आपका मतलब सारे जितने भी ये जो स्किन केयर होती है ना, उसका सिर्फ एक चीज आपने अप्लाई करनी है एंड यू आर सॉर्टेड। मैं बात कर रही हूँ इसकी, ये है वाओ के एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क की। एंड यार ये एलोवेरा वाला पील ऑफ मास्क है, एलोवेरा इज गुड फॉर योर स्किन। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके स्किन के ऊपर जितने भी पिंपल्स हैं या फिर स्पॉट्स हैं या फिर जो भी, अगर आपको स्किन की इरिटेशन है, प्रॉब्लम कुछ भी, एलोवेरा मतलब ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर एक स्किन टाइप को सूट करता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्रांड है वाओ स्किन साइंस, तो वाओ नया प्रोडक्ट तो है नहीं, नया ब्रांड भी नहीं है, सबको पता है, लाइक सबको ही पता है वाओ। वाओ में पैराबेंस नहीं होते, सिलिकॉन्स नहीं होते, एंड इसमें कोई भी इन्होंने एडिशनल एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला हुआ, कुछ भी नहीं इन्होंने डाला हुआ। तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई, सो प्योर, मैं इसको यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है? एंड चलो फिर फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी एंड साथ में आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। अब देख लेना, मेरी स्किन है जस्ट इसको अप्लाई करने से ना एकदम ब्राइटन अप हो जाती है, जस्ट एक, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है ना तो, एंड इट्स अ ट्रैवल फ्रेंडली, तो अपने साथ इसको बैग में रखो, कहीं भी ट्रैवल वगैरह जाते हो तो मतलब लाइक आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो यार। अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आप इसको जस्ट अप्लाई करो, ड्राई हो जाएगा, निकाल दो, वाइप आउट कर लो, जो आपके पास वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स होते हैं, दैट्स इट, यू आर डन विथ योर स्किन केयर रूटीन। हाउ इजी इट इज, राइट? तो लेट्स बिगिन। ये है वाओ स्किन साइंस की एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क। इसके अंदर है एलोवेरा लीफ जूस, हेयालुरोनिक एसिड और प्रो वाइटमिन B5। ये आपके स्किन को प्योरीफाई करेगा, एक्सफोलिएट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और ब्राइटन अप करेगा। वाओ ब्रांड आप सबको पता है, नया ब्रांड तो है नहीं है, इसके अंदर पैराबेंस नहीं होते, सिलिकॉन्स नहीं होते, कोई भी एडेड आर्टिफिशियल कलर नहीं इन्होंने डाला हुआ और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। कुछ इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में आपको ये वाला जेल मास्क रिसीव होगा, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज, कन्वीनियंट टू यूज भी है और ट्रेवल फ्रेंडली भी ये वाली पैकेजिंग है।
ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला है, बहुत ही इवनली स्प्रेड हो जाएगा आपकी स्किन के ऊपर और जल्दी ड्राई हो जाएगा। ये नहीं कि कई मास्क तो यार आधा आधा घंटा लगा के बैठे रहो, जल्दी ड्राई ही नहीं होते। डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी स्किन को, क्लेंस करेगा, हाइड्रेट करेगा, ब्राइटन अप करेगा। इसके अंदर जो एलोवेरा जूस डाला हुआ है, हेलुरोनिक एसिड है, प्रो वाइटमिन B5 है, ये सारे मिलकर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, डेड सेल्स हटाते हैं, इम्प्योरिटीज हटाते हैं और टाइटन अप करते हैं आपके ओपन पोर्स को, जिसकी वजह से आपकी स्किन एकदम मॉइस्चराइज होती है, हाइड्रेटेड लगती है और ग्लो आ जाता है नेचुरल। आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो करे, तो आपको हफ्ते में दो बार इसको बहुत आराम से आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं स्किन टाइप की बात करूँ तो कोई भी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर एक स्किन टाइप को सूट कर जाएगा। आप इसका टेक्स्चर देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट टेक्स्चर है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, लाइट सी फ्रेगनेंस आती है इसकी। एंड अगर मैं बात करूँ एज ग्रुप की, तो 18, 19, 20 कोई भी एज ग्रुप की हो ना, तो आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। राइट नाउ आप मेरा फेस देख सकते हो, एकदम क्लीन है, मैंने अपना फेस वॉश किया हुआ, लेकिन जो नेचुरल ग्लो होता ना फेस के ऊपर वो मिसिंग है। मतलब ऐसा नहीं, मेरा फेस नहीं लग रहा कि मैं अपना कोई पार्टी वगैरह पे जा सकती हूँ मेकअप वगैरह करके। तो मैं अप्लाई करूंगी वाव स्किन साइंस का एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क, ये मुझे काफी पसंद आया। इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा था, लाइट इन टेक्स्चर था और काफी हाइड्रेटेड वाला मुझे इसका टेक्स्चर लग रहा था। एंड अच्छे से अप्लाई करूंगी, इवनली लेयर आपने अप्लाई करनी है इसकी। जब भी पील ऑफ मास्क अप्लाई करते हो ना, तो ऊपर की डायरेक्शन पे आप इसको अप्लाई किया करो। इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला है जो आपकी एक तो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है एलोवेरा जेल में। हेलुरोनिक एसिड इसके अंदर डाला है जो जिसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत होता है, प्लम्पिंग इफेक्ट देगा आपके फेस को। एंड प्रो वाइटमिन B5 डाला है जो आपकी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन है, जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। 20 मिनट्स मैंने इस पील ऑफ मास्क को रखा था एंड उसके बाद आप देख सकते हो कितना ड्राई हो गया, एकदम कम्प्लीटली ड्राई हो गया था, विच इज द बेस्ट पार्ट। नहीं तो कुछ फेस मास्क तो जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, और आराम से निकल रहा था। ट्रस्ट मी गाइस, इसने बिल्कुल भी पेन नहीं किया, एकदम पेन नहीं किया। एंड आपके सामने है पूरा का पूरा मास्क, मेरे हाथ में आ गया था, छोटे छोटे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो होते हैं ना नोज एरिया के पास होते हैं, नोज पे होते, एकदम निकल गया। एंड लुक एट माय स्किन, इट्स सो शाइनिंग, बेबी सॉफ्ट हो गई थी मेरी स्किन, एकदम इवन नहीं होती जैसे स्किन वैसी हो गई थी। एंड आप देख सकते हो थोड़ा नेचुरल ग्लो आ गया स्किन के ऊपर। एंड जस्ट अब मैंने क्या करना है, मैंने टोनर को अप्लाई किया थोड़ी हैवी क्वांटिटी में, एंड उसके बाद जस्ट मैं उसको वाइप आउट कर दूंगी। माय स्किन इज सुपर सॉफ्ट, सुपर क्लीन। अब मैं अपना कोई भी मेकअप करूं चाहे ना करूं, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज्यादा क्लीन, फ्रेश, ग्लो लग रही है। आपके सामने आप देख ही सकते हो। एंड आप देख, मेरा नोज इतना शाइन करने लगा। तो डियर डेफिनेटली अगर आप कोई पार्टी फंक्शन पे जाते हो ना, सिर्फ आप इस पील ऑफ मास्क को अप्लाई कर लो, आपको खुद ही डिफरेंस लगने लग जाएगा। आपकी स्किन पे इतना ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पील ऑफ। तो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। मेरी तरफ से आप वाओ के एलोवेरा पील ऑफ मास्क को जरूर ट्राई करो, नया प्रोडक्ट है, मुझे तो यार बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी आई जस्ट लव पील ऑफ मास्क, ये बिल्कुल इंस्टेंटली ना आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो ले आते हैं, सारी गंदगी वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, फेस पैक का भी कम हो जाता है, स्क्रबिंग वगैरह, मतलब ना एक चीज लगानी है, इतने सारे प्रोडक्ट्स का काम ये कर देती है सिर्फ ये एक पील ऑफ मास्क। एंड एक और चीज है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पानी अगर नहीं भी है तो भी इसके साथ काम चल जाएगा, क्योंकि जस्ट इसको लगाना है, उतारना है, वाइप आउट करना है, इंडिया यूर सॉर्टेड, ट्रैवल फ्रेंडली है यार एकदम ये वाला प्रोडक्ट। अगर आप हॉलीडेज वगैरह पे जाते हो ना, यू फील लाइक योर स्किन इज टैनिंग एंड ये एंड वो, तो सिर्फ आप ये काम कर लिया करो, आराम से ये काम करके अपना म्यूजिक लगाओ एंड एंजॉय करो। चलो मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, परचेज लिंक आप देख लेना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी तरफ से आप इसको जरूर 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 ट्राई करो, बिकॉज अच्छा वाला प्रोडक्ट है, अच्छा वाला प्रोडक्ट है, इफेक्टिव प्रोडक्ट है, रिजल्ट भी इसका अच्छा है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।